फ्रेम में कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसे। आपको बच्चे कभी, मेरे ख्याल से आप ब्रीडरों को आज ही कॉल करना शुरू कर दो, चाहे कोई भी ब्रीड हो, आपको पेरेंट्स नहीं दिखाएगा वो। और ये देख लो, ये कानों को हाथ लगा के जी नीचे बैठ जाते हैं भाई। क्वालिटी होगी ना, क्वालिटी से पता लग जाता, कान भी खड़े हो जाएंगे। आपने किसी को व्हाट्सएप किया कि भैया मुझे लॉन्ग कोट का बच्चा चाहिए, तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स की एक मीटिंग की वीडियो जरूर मंगवा लो। बिल्कुल सर, 90% तो वहीं पर झूठ पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता लग जाएगा कि उसकी फीमेल की मदर लॉन्ग कोट है या नहीं है, क्योंकि लॉन्ग कोट की लॉन्ग कोट के साथ मीटिंग हो रही है आजकल, और तभी पेपर बन रहे हैं। और ये है जैसे एडम, मैंने आपको बताया, और एडम आप देख सकते हो लॉन्ग कोट है। अब जैसे मैंने बच्चा ये वाला लेना है, सबसे पहले मीटिंग की वीडियो आप पर्सनली देख लो, उनसे ब्रीडर को बोलो भैया इसकी मदर की या फादर की वीडियो भेजो। क्यों भैया, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, जब भी आप कहीं से बच्चा लो पहले फादर मदर की वीडियो देखो, और दूसरी बात बच्चा डिलीवरी ना मंगवाओ, घर पे जाकर खुद बच्चा लो। आपको पता हो भी आपने फादर मदर देखकर बच्चा लिया, फीमेल का दूध पीते हुए बच्चे का पता हो आपको भी ये फादर है ये मदर है इसका। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, पैसे डाल देते हैं, बच्चा लेने चले जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है, लोग दिखाते कुछ है, बच्चा कोई भेज देते हैं और फादर मदर कोई दिखा देते हैं, उसमें आपको रियल ब्रीड जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और जो धोखा क्या होता है, कई बंदे आपको, आप ब्रीडर को कॉल करोगे या यूट्यूबर को कॉल करोगे, तो वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे 40-45 दिन के बाद हम बुकिंग ले रहे हैं, तो 45 दिन के बाद बच्चा देंगे। बिल्कुल झूठ होता है, सबसे बड़े धोखेबाज वही लोग हैं, चाहे यूट्यूबर हो चाहे ब्रीडर हो। 45 दिन के बाद बच्चा, किसी को पता ही नहीं होता कि लीटर होना है या नहीं होना। क्यों भैया, होता है किसी को पता? बिल्कुल सही बात है जी, बच्चे का कुछ पता नहीं होता भी लीटर कब होना है, लीटर का पता तब जाकर देखो घर पे, खुद लाइव वीडियो कॉल करो आप, सबसे बेस्ट बात है। जो वीडियो कॉल में आपको ये पता चल जाएगा कि इसके पास बच्चा है या नहीं है, उसमें आपको फादर मदर भी लाइव देखो, अगर नहीं दिखा रहे तो समझो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ, आप यूट्यूबरों को कॉल कर लेना, कुत्ता तो उनके पास कोई नहीं है, बाहर से उठाते हैं, और बाहर से आपको लॉन्ग कोट अगर कह के दे रहे हैं तो 99% है वो बिल्कुल लॉन्ग कोट नहीं निकलेगा। मदर का कोट थोड़ा कम नहीं है उससे? अभी इसने बच्चे दिए हुए हैं, बच्चे देने की वजह से कोट क्या शेडिंग पे आ जाता है इसका। बिल्कुल वैलिड पॉइंट जैसे है। और दूसरा पॉइंट ये है, अभी एक मौसम चेंज हो रहा है, अभी भी कोट शेड करेगी, तो इससे करेगी कोट शेडिंग हो जाएगी, कोट के प्रॉपर लॉन्ग कोट जो दिसंबर के मंथ में प्रॉपर लॉन्ग कोट जो कंडीशन होनी चाहिए वो दिखता है जर्मन शेफर्ड में। इसमें देखने से ही आपको पता चल जाएगा, जो बाल वो से पता चल रहा है अभी भी जो लॉन्ग कोट ही है, जो शॉर्ट कोट होता है उसका कुछ नहीं कह सकते हम। आप बच्चा लेने जाओ, आप क्या क्या देखते हो मदर फादर? जब हम फादर मदर, सबसे पहली बात है फादर और मदर देखो, दूसरी बात है उसकी पेडिग्री चेक करो, उसमें आपको पता हो भी हाँ जे बच्चा है जो इसका फादर मदर जे विनिंग कर चुका है, आगे जाकर जे बच्चा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, एमपी जे विनिंग कर लेगा। ये बात नहीं होती कि बच्चा लिया उठाया और उधर से पैसे दिए बच्चा लेकर आ गया, ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जो चीज़ होगी वो इधर उधर की दे देंगे, आपको कुछ नहीं पता होगा, मैटिंग वीडियो लो सब कुछ पता होगा आपको। और दोस्तों पेपर जरूर देखने हैं, पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब है इसके पेपर देखिए, केसीआई के पेपर हो चाहे यूकेसी के हो, जिसके मर्जी हो, लेकिन पेपर जरूर देखो, आपको पेरेंट्स का भी पता लग जाएगा रियल पेरेंट्स है या नहीं है। और अगर आपके पास 1-1.5 लाख का ऐसे बजट आपको बता रहा है, तो भैया उसकी चिप भी स्कैन कर लिया करो, 500-700 रुपए का स्कैनर आता है आजकल, तो मोबाइल से भी स्कैन हो जाती है, वो चिप भी मैच कर लिया करो, क्योंकि कुछ लोग तो केसीआई के पेपर ही खरीद लेते हैं ब्रीडर, बाहर से बच्चा उठाएंगे पेडिग्री, उसको पेपर 3,000 का ले लेंगे, वहां से ब्रीडिंग हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको संभल के चलना चाहिए। अब मैं इनके बच्चे भी दिखाता हूँ भैया, अब सारे बच्चे मंगवाओ इनके, काफी विनिंग भी कर चुका है एडम। हाँ, ये एडम की विनिंग है, ये BP1 लगा हुआ है, SG1 लगा, SG2, V2, V3 लग चुका है, और ये जो मदर है ये भी काफी विनिंग कर चुकी है, इसकी विनिंग है जो फीमेल की VP1 है, VP2 है, SG2 है, SG4 है, और V2 है, और V1 है। अब लोगों को लगता होगा ये SG1 क्या होता है, ये एज वाइज होते हैं, अपनी क्लास होती है 9 से 12, 6 से 9, उसको उसी हिसाब से नाम दिया गया। इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे कि VP1 क्या होता है, VP2 क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी प्रॉपर दिखाऊंगा। अब देख लीजिए, ये आपका हो गया, ये फादर हो गया, ये मदर हो गया, अब इसके बच्चे दिखाते हैं भैया। 10 मिनट ब्रीडर को आप पूछ लोगे ना, तो ब्रीडर के धोखे से बच जाओगे, बाद में किसी ने आपको पैसे नहीं वापस दिलाने। और डिलीवरी वाले भी अवॉइड कीजिए, ब्रीडर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि भैया आपका जो अपना ब्रीडर है उसी से डिलीवरी करवाओ। कोशिश कीजिए अगर 1,000 किलोमीटर से ऊपर है तो बाय एयर ही बच्चा मंगवाओ, क्योंकि डिलीवरी वाले बहुत गंदी डिलीवरी कर रहे हैं, 25-25, 30-30 बच्चे एक कार में लेकर जा रहे हैं कहीं भी, और एक बच्चा अगर बीच में पारवो है ना, तो 99% श्योर हूँ आपके घर में आके बच्चों को पारवो ही हो जाएगा। चलो इनके बच्चे देखते हैं, ये देख लीजिए आप क्वालिटी, ये फ्रेम में कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसे। आपको बच्चे कभी, मेरे ख्याल से आप ब्रीडरों को आज ही कॉल करना शुरू कर दो, चाहे कोई भी ब्रीड हो, आपको पेरेंट्स नहीं दिखाएगा वो।
अब ये बच्चे तो छोटे हैं भैया। हाँ, इनकी एज अभी भैया हैगी है 30 डेज के, मतलब 1 मंथ के हुए हैं। जब हम ये बच्चा देंगे तब इनकी एज होगी 60 डेज। अभी हम जस्ट बुकिंग के लिए लगा सकते हैं, बोल सकते हैं अभी बच्चे बुकिंग करने हैं इसीलिए बस। अब दोस्तों ये देखो, अब होता है क्या है, ये बच्चे हैं तो पेरेंट्स दोनों लॉन्ग कोट है भी है और देख भी रहे हैं हम, लेकिन बच्चे उतना भी नहीं पता लगेगा। ये बच्चे का पता लगेगा कम से कम भी 70-80 दिन। हाँ बिल्कुल भाई, बात जब 2-2.5 मंथ का बच्चा हो जाता है तब पता चलता है उसका भी क्या क्वालिटी है। वो तो भाई भगवान ही होगा जो भी इसको लॉन्ग कोट कह देगा। यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देख रहा था, 40 दिन के बच्चे को वो कह रहा था ये लॉन्ग कोट निकलेगा, भविष्य किसी को नहीं पता होता। ये देख लीजिए, मदर भी साथ में है, फादर भी साथ में है, एक ही घर के बच्चे हैं, इधर कौन सा इतने बच्चे हो रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये वीडियो भी जरूर मंगाओ कि भैया बच्चों को दूध पिलाते हुए माँ की फोटो दिखाओ अगर तू ब्रीडर है। ये भी अगर वो दिखा देगा, अगर उसने कहीं से उठाए हुए हैं बच्चे, तो भैया यहाँ से ही झूठ पता लग जाएगा। उसको कहना बच्चों को माँ की दूध पिलाते हुए दिखा जरा वीडियो। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बच्चा, एक वो बड़ा बच्चा भी लाना। और ये देख लीजिए लॉन्ग कोट फीमेल। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ भैया, ये आपके देखिए पैसा आपने खर्चना है, मेरा कुछ भी नहीं जाना, लेकिन मैं ही अगर चैनल हमने खोला था धोखे से, सावधानी के लिए खोला था। अगर ब्रीडर ही धोखा करेंगे, हमारे चैनल पर भी ब्रीडर धोखा करते हैं, लेकिन हम यही तो कहते हैं कि आप समझदार हो जाओ ना ब्रीडर को करने दो। इस बच्चे की एज है 48 डेज का बच्चा है जी, अभी 2 मंथ का कंप्लीट नहीं हुआ जी बच्चा, आप देख सकते हैं इस बच्चे को। अब ये देखो, ये यहाँ पर है 28 दिन के बच्चे, 26 दिन के बच्चे, और ये है 48 दिन का बच्चा। 20 दिन में देखिए ये क्या बन गया, और ये बाकी भी ऐसे बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो गए। तो ये इसका ये कौन सी पेडिग्री है इसका? ये एडम का सन है, मदर इसकी हमने अभी थोड़े टाइम पहले सेल कर दी है इसकी मदर, जिसका बच्चा है अभी हमारे पास फिलहाल, ये हम तैयार करेंगे, निकोला है इस बच्चे का नाम। तो ये रिटेन किया? हाँ हमने रिटेन कर लिया, बाकी बच्चे हमने सेल कर दिए थे इसके। अभी ये बच्चा पड़ा है हमारे पास एक, बस ये हमने रखा हुआ है। इसकी क्वालिटी देख सकते हो आप, क्या देख लो, सेम टू सेम जैसा फादर का। अब ये देखिए, अब ये कहने को मदर इसी को कह सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि मदर कोई और है। यही आपको पहचानना कि ब्रीडर झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। और ये देख लीजिए, ये इसी का बच्चा है, बाप बेटा वैसे पहचानते कहाँ होंगे। ये और ये देख लीजिए, ये एक फ्रेम में है आपको लॉन्ग कोट मेल, लॉन्ग कोट ये देख लीजिए दोस्तों क्वालिटी। बार साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल आपको मिल जाएगा। और ये बच्चे तो अभी बुकिंग है, आप कीजिए बुकिंग। ये बंदा अगर आपको बच्चे दिखा रहा है ना इतनी एज के, फिर आप वेट कीजिए 45 दिन। अगर आप वो सीधे कह रहे हैं ना भैया 5,000 दे दो, बाकी 20% अभी दे दो, 80% बाद में दे दो, भैया वो फ्रॉड सिस्टम है। दुकानें खोली हुई है उन बंदों ने, वो ब्रीडर तो है भी नहीं, और अपने आप को ब्रीडर ही कहते हैं। जिस दिन वो अपने आप को ट्रेडर कहना शुरू कर देंगे, हम भी बोलना बंद कर देंगे। और ये देख लीजिए, ये देख लो क्वालिटी। नीचे दोस्तों कमेंट करो, ये बड़ी रेयर वीडियो बनती है, क्योंकि कभी कभी तो लीटर होता है इनके पास। कितना लीटर ले रहे हो आजकल साल में? हम साल में एक बार लीटर लेते हैं, जो सर्दियों वाला जो लीटर होता है। अभी गर्मियों में हम लीटर नहीं लेंगे इसका, यह लास्ट लीटर है हमारा, फिर आगे जाकर सर्दियों में लीटर आएगा, अभी नहीं आएगा दोबारा। तो इतनी देर में कोई बच्चा मांगे तो फिर स्टार्ट के बच्चे? हाँ स्टार्ट के नहीं बच्चे, हमारे पास है जब फीमेल, जैसे लगा लो भी बच्चे बुकिंग कर लेंगे, जब फीमेल घर पे बच्चे हो हम वही बच्चा देख कर खुश होते हैं, अभी कस्टमर को पता हो। और प्लस हम उस बच्चे की वारंटी भी लेते हैं, अगर 2 मंथ में बच्चा अच्छा ना निकले हमारे घर पे छोड़ कर पैसे अपने वापस ले जाओ। ये नहीं है भी आज बच्चा दे दिया और बाद में कुछ भी नहीं, बात ही नहीं करनी, वो काम नहीं है हमारे कैनल का। दोस्तों 3 चीज़ें हमेशा याद रखो, पेरेंट्स, KCI के पेपर या UKC के पेपर, उसके बाद लाइव आके बच्चा देख लो, तो दुनिया का कोई बंदा आपको धोखा नहीं दे सकता। धोखा हमेशा व्हाट्सएप पर होता है, वहीं पर आपको अपनी समझदारी क्या दिखानी है। उसको व्हाट्सएप पर फोटो नहीं मंगवानी, उसको बोलना है भैया लाइव कॉल कर रहा हूँ, ऐसे बच्चा दिखा दे एक बार, वीडियो कॉल करके देख। हाँ वीडियो कॉल करके दिखा दे। और ये लॉन्ग कोट कहने से नहीं है, ये बंद कर दो यूट्यूबर्स कि लॉन्ग कोट ऐसा होता है, लॉन्ग कोट ऐसे बाल फेरते हैं, भैया ये लॉन्ग कोट हो गया। जरूरी नहीं है, स्मूथ कोट पर भी ऐसे बाल आ रहे हैं आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आ रहे। ये लॉन्ग कोट का पता लगेगा सही महीने में, 3-4 महीने, 4 मंथ में पता लगेगा, तब भी कम ही होते हैं बाल। और ये देख लीजिए, ये ऐसा बनेगा, ये कान ऐसे होंगे। अच्छा एक चीज और है, एक आजकल सारे यूट्यूबर बोलते हैं कानों का हाथ नहीं लगाना चाहिए, उससे होता ऐसी क्या? ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होता कानों से। ऐसे कस्टमर का क्या होता है ना, जब पहले दुकानों से हम बच्चे लेते थे, वो क्या कहते थे भी बच्चे को कोई हाथ ना लगाए, क्वालिटी चेक ना कर ले, इसीलिए डरा देते थे भी इसको हाथ मत लगाना, कानों को हाथ ना लगाना, ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे ना पता क्या कहते हैं वो, ये कानों को हाथ लगाओगे इनके बीच में नाड़ियां वो टूट जाएंगी। कुछ नहीं भाई, देखो हमने तो ऐसे कर दो, पहले उनको बोलो तुम खुद में कुत्ते तो रख लो घर में, या अपने बाल तो उगा लो, इनके बाल कहां से देख रहे हो। और ये देख लो, ये कानों को हाथ लगा के जी नीचे बैठ जाते हैं, भाई क्वालिटी होगी ना
क्वालिटी से पता लग जाता कान भी खड़े हो जाएंगे। अगर कान खड़े नहीं हो तो फिर कहते हैं कैल्शियम पिलाओ, प्रोटीन पिलाओ, कुछ भी पिलाने की जरूरत नहीं है। जिसने कान खड़े करने हो अपने आप अपने टाइम पे कान खड़े, और जिसने कान खड़े नहीं किए इसका इट मींस कि उसकी पेडिग्री में कोई ना कोई फॉल्ट है, फॉल्ट है। और ये दोस्तों ये देख लो, मैं भैया को नीचे बैठाता हूँ, ये बड़ा कम मिलता है। ये देखिए ये लॉन्ग कोट और बीच में लॉन्ग कोट के बच्चे, क्वालिटी क्या बनेगी छोटे बच्चों की, ये वाली। ये तो भैया भी श्योर ही होंगे, चलो घर का लीटर है तभी है, नहीं तो बाहर का लीटर अगर होता तो कहाँ से। अब ये देखिए, अब ये बच्चों का देखिए, ये कहाँ पर इनके बाल छोटे छोटे लग रहे हैं। अगर आज की डेट में ये बच्चे हम दिखाएंगे किसी को तो स्मूथ कोट ही कह देंगे, ये होता है, ये बनेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जानकारी के लिए वीडियो था, ब्रीडर कोई भी हो पेरेंट्स हमेशा देखिए, किसी ब्रीडर को अगर आप पैसे दे रहे हो ना तो एक घंटा दो घंटे तीन घंटे उसकी लेनी देनी कर दीजिए, तभी आपको बच्चा अच्छा मिलेगा। चलो बाय बाय, गुड बाय।